जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो बना दी है जिसमें कि आप संपूर्ण जानकारी जान सकते हो कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएगा। और साथ ही जो एलिजिबिलिटी की जानकारी है वो मैंने अपनी वेबसाइट जॉब्स ज्ञान के ऊपर भी दे दी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि इसके अंदर 47 पद है जिसमें कि 10वीं ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी 15 से 24 साल के बीच रखी है। सैलरी या फिर स्टाइपेंड आपको 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है और आप लोग इस फॉर्म को 21 मई 2021 से लेकर के 6 जून 2021 तक भर पाएंगे। इन ट्रेड में यहां पर ये जो अप्रेंटिस की वैकेंसी है वो निकाली गई है और आपको ध्यान देना है कि जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो उसी ट्रेड में आपके पास ITI होनी चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर दोस्तों जो इसमें आपको अप्लाई करना है वो आपको किस तरह से करना है और कैसे करना है ये आपको अच्छे से अब यहां पर जानकारी जानने को मिल जाएगी। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ आपको एक यहाँ पर ये परफॉर्मा देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ ये बोला है कि बायोडाटा टू बी टाइप्ड इन दिस फॉर्मेट एंड सबमिटेड, यानी कि इस फॉर्मेट के अंदर आपको अपनी जानकारी या फिर बायोडाटा टाइप करनी है और उसको सबमिट करना है। दोज फिल्ड बाई हैंड विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड, यानी कि जो कैंडिडेट इसमें जानकारी हैंड से फिल करेंगे वो फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये फॉर्म आपको बेसिकली भरना कैसे है वो आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है, मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर यहां पर ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्म है वो दे दिया है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर क्लिक करने से डायरेक्टली डाउनलोड नहीं होता है तो आपको इस लिंक के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, यानी कि थोड़ा देर तक प्रेस करके रखना है, दबा करके रखना है और फिर आपको डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक करके इस परफॉर्मा को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद डायरेक्टली आपके सामने परफॉर्मा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक देने वाला हूं। यह वेबसाइट आपको ओपन करनी है और ओपन करने के बाद जो PDF आपने डाउनलोड किया है वो यहां पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका PDF पहुंचा है डाउनलोड होने के बाद में वो अपलोड आपको करना होगा। तो चलिए मैं यहां से इसको अभी आपको अपलोड करके दिखाता हूं। तो यहां से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको इस प्रकार से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर दोस्तों ये जो आपका PDF है वो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों आपके सामने आपका यहां पर PDF आ चुका है। अब आपको इसमें जानकारी टाइप करनी है, वो कैसे करनी है, जैसे कि यहां पर फर्स्ट पॉइंट है आपका नेम, तो जो भी आपका नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार है वो आपको यहां पर लिखना है। और नेम लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर जो T का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नेम के सामने आपको यहां पर इस प्रकार से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद टाइप समथिंग में आपको यहां पर सिलेक्ट करके जो भी आपका नाम है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो यहां पर आपको लिख देना है। अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हो, जैसे कि जो लिखाई आपको देखने को मिल पा रही है थोड़ा बड़ी है, तो आप इसको यहां पर शॉर्ट में भी कर सकते हैं, यानी कि छोटा कर सकते हैं। छोटा आप यहां पर कैसे करेंगे आप देख लीजिए, स्मॉल के ऊपर क्लिक करके आप इसको स्मॉल में कर सकते हैं। सेम तरीके से आपको यहां पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके दोबारा से जो आपका फादर नेम है वो आपको यहां पर लिखना होगा। मैं आपको यहां पर सेम तरीके से जानकारी लिख करके दिखाता हूं। तो यहां से हम ये जानकारी फिलअप कर देते हैं। इसको फिल करने के बाद आपको नेशनलिटी की जानकारी भरनी है और नेशनलिटी की जानकारी भरने के लिए भी आपको सेम तरीके से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और नेशनलिटी के सामने क्लिक करके यहां पर आपको इसमें INDIN यानी कि इंडियन लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर सेम तरीके से लिखनी है, आपको यहां पर डेट ऑफ बर्थ के सामने आना है और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार वो यहां पर आपको लिखनी है। लिखने के बाद यहां पर बोला है कि एज एज ऑन 31/3/2021 यानी कि 31 मार्च 2021 तक आपकी उम्र कितनी होती है वो यहां पर आपको एज कैलकुलेट करके बता देनी है। सेम तरीके से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके लिखनी होगी। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको बतानी है। आपको यहां पर कैटेगरी के सामने आना है और जो भी आपकी कैटेगरी है UR SC ST जो भी है वो आप लिख दीजिए। फिर आपको सेम तरीके से यहां पर ईमेल एड्रेस आपका जो भी है वो आपको लिख देनी है। मैं यहां पर इस प्रकार से आपको ईमेल ID लिख करके दिखा देता हूं। इसको लिखने के बाद आपको अपना फोन नंबर मोबाइल नंबर यहां पर लिखना है। नीचे कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहां पर आपको इस प्रकार से आना है और जो भी आपका
आपका एड्रेस है बेसिकली आपकी आईडी के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस लिख देना है पिन कोड के साथ में। लिखने के बाद नीचे यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है, आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है। अगर आपका परजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सेम एज कोरोस्पोंडस एड्रेस, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं अगर सेम है। फिर 11 पॉइंट आपका यहाँ पर आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, इसमें सीरियल नंबर में आपको पहले 01 लिख देना है, इसके बाद फिर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके एग्जामिनेशन डिग्री में आपको यहाँ पर जो आपकी टेंथ की जानकारी है, बेसिकली पहले आपको टेंथ की जानकारी देनी होगी तो टेंथ यहाँ पर लिख दीजिए, इसके बाद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके बोर्ड यूनिवर्सिटी में आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके सब्जेक्ट के सामने आपको या तो ऑल सब्जेक्ट लिख देना है, बेसिकली टेंथ में आपको ऑल सब्जेक्ट ही लिखना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ईयर ऑफ पासिंग में आपको बताना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर 10वीं पास कर ली थी। फिर यहाँ पर आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी डिवीजन या फिर क्लास सिलेक्ट कर लेनी, यानी कि लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके जो भी परसेंटेज या फिर CGPA थी, मार्क्स थे, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे लिखने हैं, पहले तो आपको वो नंबर लिखने जो कि आपको प्राप्त हुए हैं, मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखता हूँ, और फिर स्लैश लगा करके आपको वो नंबर लिखने जितने में से वो आपको आए थे, इस प्रकार से आपको लिख देना है। लिखने के बाद नीचे यहाँ पर आपको जो आपकी ITI की जानकारी है वो देनी है, तो आपको सीरियल नंबर 2 के ऊपर आना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर 02 लिख दीजिए, और लिखने के बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन डिग्री में ITI लिख देनी है, मैं यहाँ से ITI लिख देता हूँ। इसके बाद आपकी जो इंस्टीट्यूट का नेम है वो यहाँ पर आपको लिखना है, सब्जेक्ट में आपको अपने ट्रेड का नाम देना है कि कौन से ट्रेड में आपने ITI की है, यहाँ पर आपको इसके ऊपर आना है और अपने ट्रेड का नाम लिख देना है। लिखने के बाद पासिंग ईयर और डिवीजन और मार्क्स यहाँ पर इस प्रकार से भर देने हैं। फिर आता है इफ़ यू आर रिलेटेड टू एनी DRDO एम्प्लॉई, अगर आप किसी DRDO एम्प्लॉय के रिलेटेड है तो आपको उसकी जानकारी देनी है। सीरियल नंबर के अंदर एक लिख दीजिए, नेम ऑफ द एम्प्लॉय के अंदर आपको उस एम्प्लॉय का नाम देना है जिसके आप रिलेटेड हो। डेजिग्नेशन यानी कि किस पोस्ट पर वो काम करते हैं, लैब स्टेट इन विच वर्किंग, कौन सी लैब के अंदर वो काम करते हैं वो आपको बताना है, और आपका रिलेशन उनके साथ में क्या है वो आपको यहाँ पर इस वाले कॉलम में देना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका 13 पॉइंट है अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट। यहाँ पर दोस्तों ये जो अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिलेगा, जो कि है आपकी apprenticeshipindia.org। इस वेबसाइट के ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसके संबंध में मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है, उसमें से एक वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो वॉच करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 4-5 मिनट के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, और जो आपको नंबर मिलेगा वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा जो कि आपको नंबर एंड डेट के सामने बोला है। फिर यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। लिस्ट ऑफ इनक्लोजर यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इसके साथ अटैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके एक तो आपको जो आपकी टेंथ की मार्कशीट है वो इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है, तो यहाँ से हम इसको लिख देते हैं। फिर दूसरे में आपको यहाँ पर जो आपकी ITI की मार्कशीट है फाइनल ईयर की वो आपको यहाँ पर लिखनी है, जो भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। इसके बाद तीसरा, अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हो तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको इसके साथ अटैच करना होगा। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं डिजिटली, तो बेसिकली सिग्नेचर आप कैसे करेंगे, आपको सिग्नेचर कर लेने हैं, और सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आपको इमेज के ऊपर क्लिक करना है, जो इमेज का आइकन आप देख पा रहे हैं, और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, पिक्चर के ऊपर हम आते हैं, पिक्चर के ऊपर आने के बाद यहाँ से मैं इस सिग्नेचर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ चुका है, आपको इसको जहाँ सिग्नेचर है यहाँ पर रख देना है, और इस प्रकार से आपको इसको छोटा कर लेना है। मैं यहाँ से इस तरह से आपको इसको करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर कुछ ऐसे आ जाएगा, सिग्नेचर आ चुका है। और सेम तरीके से आपको अपना फोटो अपलोड करना है, आपको यहाँ पर फोटो के ऊपर क्लिक करना है, आपका फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर जहाँ पर इसको अपलोड करना है वहाँ पर आपको ले आना है, और ले आने के बाद आपको इस जगह के अंदर इसको एडजस्ट कर देना है। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका है और आपका फोटो आ चुका है। तो ये आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिलअप हो चुका है। अब आप इसको अच्छे से वेरीफाई कर लेना कि कहीं पर कोई जानकारी गलत तो नहीं है, क्योंकि बाद में आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म देख लीजिए आपका डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको यहाँ से अब इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि ये आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, और यहाँ पर जो जानकारी अभी हमने इस फॉर्म के अंदर भरी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो जानकारी
जानकारी मैंने लिखी है वो इसके अंदर दी गई है। अब आपको इस फॉर्म को सेंड करना है। सेंड आपको कहां पर करना है वो आप देख लीजिए, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है। इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बोला है कि आपको जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ में, यानी कि जो 10th 12th की मार्कशीट आपने वहां पर लिखी है कि मैं ये डॉक्यूमेंट भी अटैच करने वाला हूं, आपको उनको एक PDF के अंदर कन्वर्ट कर लेना है और फिर आपको इस ईमेल आईडी के ऊपर जो कि director@dl.drdo.in इस ईमेल आईडी जो कि आप यहां पर देख ही सकते हो, इसके ऊपर आपको इसको सेंड कर देना है और यहां पर इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। अगर अभी भी कोई सवाल कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों आपको आपकी DRDO डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।